बिग बॉस ने सीजन 1 से ही हमें काफी सारे कपल्स इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि प्रिंस और युविका या फिर अली गोनी और जास्मिन। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिन्हें फैंस बेहद पसंद करते हैं और फिलहाल उनका रिलेशनशिप भी अच्छा जा रहा है। कुछ की तो शादी भी हो गई है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जो किसी वजह के चलते एक दूसरे के एंड गेम तो नहीं बन पाए, लेकिन आज भी फैंस उन्हें याद करते हैं। वैसे बिग बॉस 13 के पॉपुलर कपल रहे हिमांशी खुराना और आसिम रियाज तो आपको याद होंगे। सीजन 13 के ये कपल आज भी बिग बॉस कपल्स की लिस्ट में टॉप में आते हैं। इस कपल ने पिछले साल अपने ब्रेकअप की अनाउंसमेंट की थी। ये खबर फैंस के लिए काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि सब उनकी शादी का इंतज़ार कर रहे थे। उनके ब्रेकअप की वजह दोनों का अलग अलग धर्मों से होना बताया गया। अब हाल ही में उनके को कंटेस्टेंट अबू मलिक ने उनके सेपरेशन के बारे में बात की है। नमस्कार, मैं हूं नवेन श्रीवास्तव और आइए जानते हैं कि आसिम और हिमांशी के ब्रेकअप के पीछे का असली कारण क्या था। क्या उन्होंने सच में अपने डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स के चलते अलग होने का फैसला किया था, या इसके पीछे कोई और ही कहानी है। हाल ही में टाइम्स नाउ के साथ अपने एक इंटरव्यू में बिग बॉस 13 फेम अबू मलिक ने बताया कि अपनी को कंटेस्टेंट आर्तिक सिंह की शादी में उन्होंने हिमांशी और आसिम के सेपरेशन के बारे में सुना। उनका कहना है कि आसिम हिमांशी पर बहुत कुछ थोपते थे, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अबू ने यह भी कहा कि हिमांशी अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, यही रीज़न रहा होगा कि उनका रिश्ता टूट गया। उन्होंने ये भी कहा कि रिलीजन भी एक इशू हो सकता है, लेकिन सिर्फ रिलीजन ही इशू नहीं होगा। अबू ने आसिम को अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि कोई हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो। जो फैंस आसिम और हिमांशी की शादी की खबर का इंतज़ार कर रहे थे, तब 7 दिसंबर 2023 को आसिम ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक नोट शेयर किया और बताया कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है। इससे पहले 6 दिसंबर 2023 को हिमांशी ने एक नोट के जरिए आसिम के साथ ब्रेकअप की खबरों को कंफर्म किया था। अब आसिम और हिमांशी के फैंस के लिए ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।